हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं आप सबके लिए प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लेकर के लाई हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए है और छोटे बच्चे अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आज ये पढ़ाने जा रही हूँ, प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के। तो प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, आई, वी, इट से। तो ये हमारे प्रोनाउन है। संज्ञा के स्थान पर, यानी कि नाम के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो भी ऐसे जो भी लेख हम लोग लिखते हैं वो हमारा अच्छा बनेगा। मान लिया कि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो हर जगह APJ अब्दुल कलाम लिखना सही नहीं होगा। इसलिए उसकी जगह पर ही, हिम, हिज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मान लिया कि किसी लेडी के बारे में लिख रहे हैं तो हर जगह पर, मान लिया कि रानी के बारे में लिख रहे हैं तो हर जगह रानी 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 इस तरह से लिखना सही नहीं होगा। उसकी जगह पर शी, हर इस्तेमाल करेंगे। इट, इट का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पर जानवरों का इस्तेमाल, मान लिया कि जानवर के बारे में, कैट के बारे में, डॉग के बारे में लिख रहे हैं तो इट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दे, आई, वी, ये सब हमारे क्या है, प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के 9 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक। बच्चे लोग रिपीट करके भी, सुन के रिपीट भी कर सकते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन को दृढ़ता सूचक सर्वनाम भी कहते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन को दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग अधिकारात्मक सर्वनाम कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को हम लोग अधिकारात्मक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये सिंपल तरीके से लिखा गया है, छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में ये आता जाएगा। अगर सोचिएगा कि एक दिन में सारी बात अट जाए तो वो कभी नहीं होगा। इसलिए सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा रोज स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग के दिमाग में ये छोटी छोटी बात आती जाए। तो बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम और भी इस तरह का वीडियो मैं और लाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। एक वीडियो मैंने ऐसा और बनाया था लेकिन उसमें धुंधला नज़र आ रहा था, इसलिए मैं आप लोग के लिए इसको दोबारा बनाई हूँ।
अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।